नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। शी जिनपिंग ने लद्दाख में टांग फंसाकर अपनी गर्दन भारत के हाथ में थमा दी है, जहां उसका असर डोकलाम से भी भयावह होने जा रहा है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने इसके संकेत जिनपिंग और उसकी सिगरेट मार्क आर्मी को भेज दिए हैं। रावत ने अब किसी संघर्ष को रोकने का दामोदार पूरी तरह चीन पर ही छोड़ दिया है। उन्होंने साफ बोल दिया है कि अगर मिलिट्री और कूटनीतिक बात विफल रही तो फिर चीन की एकड़ी निकालने का काम भारत की सेना करेगी, और अगर भारत रणबांकुरे मैदान में उतरे तो बीजिंग का बंजर बनना तय है, क्योंकि आज के हिंदुस्तान से टकराने का जोखिम वही ले सकता है जिसकी सामर्थ्य आई हुई हो। इससे बेप्रवासी जिनपिंग कहीं ना कहीं चीन के विनाश की पटकथा लिख चुके हैं, क्योंकि भारत अब चीन से बात नहीं सीधा प्रहार करने वाला है। 18 बार बातचीत के बाद भी चीन अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आया है, जिसके बाद भारत के सबर का पैमाना छलकने लगा है, यानी अब तैयारी रणकी हो रही है। चीन को ठोककर उसे नेस्तनाबूद करने का प्लान है। इसके लिए इंडियन आर्मी बस दिल्ली से निकलने वाले आदेश के इंतजार में है, जो किसी भी वक्त जारी हो सकता है। सीडीएस बिपिन रावत का बयान पूर्वी लद्दाख में बनी परिस्थितियों के मद्देनजर बेहद अहम है। उनके बयान की अहमियत भारत से कहीं ज्यादा चीन के लिए है, क्योंकि रावत द्वारा सैन्य विकल्प की बात करते ही चीन में हड़कंप मच गया है। चीन अभी तक यही समझ रहा था कि भारत वार्ता की टेबल पर याचक के तौर पर आया हुआ है। उसके रणनीतिकारों को सपने में भी गुमान नहीं था कि भारत की तरफ से इतना सख्त बयान आ सकता है, जिसमें सीधे सीधे चीन के लिए जंग की चुनौती छिपी होगी। 6 दशक से खुद को सर्वशक्तिमान समझने वाले चीन को रावत ने आर पार की चेतावनी का ऐलान जारी कर दिया है। यानी इस बयान से यह भी साबित हो गया कि भारत सेना चीन पर प्रहार करने के लिए सीना ठोक कर तैयार है। अब जरा यह भी समझना जरूरी है कि सीडीएस रावत ने यह चेतावनी हवा में जारी की है या इसमें भारत की तैयारी और चीन की प्राज्ञ का खाका भी छिपा हुआ है, क्योंकि रावत ने इतना बड़ा बयान एक सैनिक के तौर पर नहीं दिया है, बल्कि उन पर पूरे हिंदुस्तान का भरोसा है। वह जो भी कहेंगे वह राष्ट्रहित और भारत की अस्मिता के सम्मान से जुड़ा होगा। भारत ने चीन को पस्त करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर घेराबंदी कर ली है। यह पूरी कवायद इस आधार पर की गई है, अगर अमेरिका, ताइवान या अन्य मित्र देश उसकी मदद को नहीं आते हैं, तब भी भारत चीन पर कहीं ज्यादा भारी पड़ने वाला है। इसके लिए भारत के उन टारगेट को भी जानना जरूरी है, जिसके लिए सेना अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है। खास बात यह है कि चीन भी यह बात समझ गया है कि भारत उसे कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। भारत एजेंसियां ड्रैगन की गतिविधियों पर लगातार कड़ी निगाह रखे हुए है। ये निगाहें सिर्फ लद्दाख में ही नहीं टिकी है, बल्कि चीन अरुणाचल बॉर्डर से भी रखी जा रही है। चीन के कम से कम 7 एयरबेस अब इंडियन आर्मी के टारगेट पर है। इसके अलावा चीन के शिनजियांग प्रांत और तिब्बत क्षेत्र में स्थित पीएल एयरफोर्स के कई एयरबेस भारत की निगाह में है। चीन के जिन 7 एयरबेस को भारत ने निशाने पर लिया है, उनमें होटन एयरबेस, कासगर एयरबेस, मनसा एयरबेस, होपिंग एयरबेस, कोकाजोंग एयरबेस, लिंजी एयरबेस और पंगट एयरबेस प्रमुख है। ये सारे वो चीनी एयरबेस है जहां से चीन चाले चलता रहा है। भारत सेना अब एक आदेश मिलते ही इन्हें ध्वस्त कर सकती है। भारत के रक्षा मंत्री ने 3 दिन पहले ही नई दिल्ली में नेवी कमांडर्स के साथ लगातार 3 दिन तक लंबी बैठक की है। इस बैठक से जो खबरें छनकर आई है उसने चीन की हवाइयां उड़ा दी है। रक्षा मंत्री की ओर से नेवी कमांडर्स को मलक्का स्टेट में अपनी पोजिशन मजबूत करने के लिए कहा गया है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के पास ये वही 3 किलोमीटर लंबी खाड़ी है जहां से चीन का खरबों डॉलर का व्यापार होता है। इसी खाड़ी से होकर चीनी जहाज अरबी सागर में जाते हैं। अगर भारत चीन के बीच जंग का बिगुल बजा तो इंडियन नेवी चीन के ट्रेड रूट को मिनटों में लॉक कर देगी, जिसके बाद चीन की तरफ जाने वाला कच्चा तेल, उसकी जरूरतों का तमाम सामान रुक जाएगा। मलक्का स्टेट पर पूरी तरह भारत का प्रभुत्व है। यहां चीन ने अपनी नेवी को भेजा तो उसे बीच रास्ते में भारी क्षति उठानी पड़ सकती है। बड़ी बात यह है कि चीनी नेवी को यहां तक पहुंचने के लिए बीच में उसे अमरीकी नेवी से भी टकराना पड़ेगा। भारत चीन सीमा की भौगोलिक स्थिति भारतीय सेना के ही पक्ष में है, जिसमें भारतीय सेना द्वारा चीन को निशाना बनाना बेहद ही आसान है। पूर्वी लद्दाख से अरुणाचल तक इंडियन आर्मी अधिकांश मोर्च पर पीएलए के सिर पर बैठी हुई है, जहां से वह चीन को बुरी तरह से छका सकती है। भारत ने पिछले 3 महीनों के दौरान यहां अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, और चीन के ज्यादातर ठिकाने उन्हें आसानी से नजर आ रहे हैं, जबकि चीन को भारतीय सेना की पोजीशन के लिए अपने सैटेलाइट की मदद लेनी पड़ रही है। पर उसकी दिक्कत यह है कि भारत जवान अपने असलों के साथ थोड़ी थोड़ी देर में अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, जिससे चीन को इंडियन आर्मी की एग्जिट लोकेशन मिलना बहुत ही मुश्किल है। बड़ी बात यह है कि इंडियन आर्मी चाइनीज सैटेलाइट पर भी दृष्टि बनाए हुए है, जिससे उन्हें बड़ी आसानी से चकमा दिया जा सकता है। ज्यादातर स्थानों में पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने की वजह से यहां छुप जाना भी बेहद आसान है।
जबकि चीनी सेना बंकर और टेंट की मदद ले रही है, मगर भारत उनकी एक एक गतिविधि पर नजर गड़ाए हुए है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चीन की सेना संख्या बल हथियार और रक्षा बजट में भारत पर 21 है। चीन के सक्रिय सैनिकों की संख्या 22 लाख के लगभग है, जबकि भारत के पास 12 लाख सक्रिय सैनिक हैं। सेना की ताकत की बात की जाए तो चीन के पास 6,457 कॉम्बैट टैंक है, जबकि भारत के पास 4,426 कॉम्बैट टैंक है। आर्मर्ड व्हीकल की बात करें तो चीन के पास 4,788 है, जबकि भारत के पास 6,704 है। दोनों देशों की हवाई ताकत की बात की जाए तो चीन के पास 2,955 लड़ाकू विमान है, जबकि भारत के पास 2,102 लड़ाकू विमान है। चीनी नेवी के पास सभी छोटे बड़े जहाज मिलाकर 714 नेवल एसेट्स हैं, जबकि भारत के पास 295 नेवल एसेट्स हैं। चीन के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि भारत के पास 3 है। चीन का रक्षा बजट भारत से लगभग 3 गुना 10,50,000 करोड़ का है, जबकि भारत का रक्षा बजट 3,30,000 करोड़ रुपए का है। परंतु इसमें टेंशन की बात भारत के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चीन की इस ताकत का विभाजन उसे भारत से फिसड्डी बना देता है। चीनी नेवी अगर कुछ मायनों में ताकतवर बनती दिखती है तो उसकी समुद्री सीमा भी काफी बड़ी है, जहां उसके चारों तरफ वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस जैसे दुश्मन देश है। चीन वहां से अपने युद्धपोतों को किसी भी सूरत में नहीं हटा सकता है, जबकि भारत सागर की छाती पर चीन और पाकिस्तान दोनों को दफन करने का मादा रखता है, क्योंकि संघर्ष की हालत में भारत का पूरा फोकस केवल चीन और पाकिस्तान पर ही रहना है, जबकि चीन की समुद्री सीमा पर उसके दुश्मन देशों की ज्यादा भरमार है। खासतौर से साउथ चाइना सी में अमेरिका उसका सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। इसी तरह चीन की 22,117 किलोमीटर लंबी सीमा 14 देशों से लगती है। इनमें से अधिकांश देशों के साथ चीन का किसी न किसी तरह का विवाद चल रहा है, जिसके बाद चीन से खार खाए बैठे देशों की संख्या 23 के लगभग है। चीन किसी भी हाल में इन सीमाओं से अपने सैनिकों को नहीं हटा सकता है, जबकि भारत की सीमा 6 देशों से लगती है, जहां केवल चीन और पाकिस्तान से उसका पंगा है। बाकी जगह पर भारत को अपने सैनिकों और हथियारों की ज्यादा जरूरत नहीं है। वैसे भी बाकी देश नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश भारत के साथ मित्रवत है, इसलिए भारतीय सेना चीन पर अपनी पूरी ताकत से हमला बोलने में सक्षम है, जबकि चीन केवल 25% सैन्य बल और हथियारों का इस्तेमाल करने की हालत में है। यही वजह है कि भारतीय सेना का जज्बा आसमान पर पहुंचा हुआ है। सेना जानती है कि इस प्रोपेगेंडा चीनी सेना की जमीनी औकात क्या है, इसलिए सेना युद्ध के लिए तैयारी नहीं है बल्कि हौसलों से भी भरी हुई है। बड़ी बात यह भी है कि चीन की पागल लफंडर आर्मी में यह हौसला दूर दूर तक नहीं दिखता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।